आइए चलते चलते एक छोटा सा कट पीस और दे दें। आदरणीय हमारे श्री राम भैया जी और जगदीश भैया और सभी लोगों से निवेदन है, आदरणीय पिताजी, चाचा जी, बहन जी, भैया भी आनंद आ जाए, बात पुरानी बनी रहे, सब कुछ बिल्कुल मजेदार आ जाए। और क्या, फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं। अरे तुम्हें क्या जानो, तेरी खातिर कितना है बेताब ये दिल। लोगों को सुनाए और क्या, आप लोगों का आशीर्वाद मिल जाए थोड़ा। सुने सुने, एक बार भगवान कन्हैया बैठे हैं और सोच रहे हैं। क्या भगवान कन्हैया बैठे बैठे सोच रहे हैं? चिंता की बात ये है बहन जी, चिंता की बात ये है कि उस चिंता का कोई हल नहीं मिल रहा है। भगवान कन्हैया को भी चिंता हो रही है। किस बात की? किस बात की? सोच रहे हैं बैठे बैठे ऐसे कि जिसने धरा पर जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है। Yeah.
जो अपना टूटा हुआ दांत अपने हाथ में लिए हैं, अगर वो जमीन में रख दिया तो वो भस्म हो जाएंगे। इसलिए हमेशा अपना दांत अपने हाथ में, यानी हमारी मौत हमारे हाथ में। कि अपने हाथ में मौत लिए जो ऐसे गौरी नंदन है, मौत अभी तक छू न सकी जिसे ऐसे वो प्रभु नंदन है। परशुराम जी, लेकिन आठ हैं ऐसे चिरंजीव, इच्छा मृत्यु वरदान कि गंगा पुत्र ने जब चाहा मौत है उनकी तब आई। हर किसी के कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से है, ये तो निश्चित है, लेकिन कि मौत है सबकी मेरे हाथ में, हान लाभ जीवन मरण यस यप यस विधि हाथ, तो मौत है सबकी मेरे हाथ में, पलते सभी मेरी छाँव में है। कन्हैया सोच रहे हैं कि मौत है सबकी मेरे हाथ में, पलते सभी मेरी छाँव में है। मुरलीधारी सोच रहे मौत मेरी मेरे पाँव में है। धन्यवाद। सुनिए निशान लग गया था सिंदूर भरे तीर को जब चलाया था, लेकिन समस्या यह है कि सबकी मृत्यु मेरे हाथ में लेकिन मेरी मौत मेरे पांव में। उस बहेलिए के तीर ने भगवान कन्हैया के प्राण ले लिए। तो मुरलीधारी सोच रहे धन्यवाद है। ये मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया, आपका आशीर्वाद मिल गया, मेरा सार्थक हो गया लिखना। धन्यवाद है, आपकी सेवा में आदरणीय बहन जी आ रही हैं। सही बजाना चाहिए। इस धरती पर वाकई में एक ऐसा ढोलक मास्टर था, आज उसकी वजह से इतने ढोलक मास्टर आज आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। चाहे वो हमारे सचिन भैया हो, एक अद्वितीय बात इस परिवार में है, बउआ भैया सचिन भैया से छोटे थे, लेकिन एक ऐसा दिन आता था जब हमारे सचिन भैया बउआ भैया को भी गुरु मानते थे और गुरु बनाया था
बड़े होने के बावजूद वो बउआ भैया के पैर छूते थे। ऐसा रिश्ता ना कभी हुआ है और ना कभी दोबारा बनेगा। मैं चाहूंगी एक बार हमारे सचिन भैया के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाएं। वाकई में हम लोगों ने एक अनमोल रतन तो खोया है और जिस स्थान पर वो था उसका कोई स्थान ले नहीं सकता। कोई अपने आप को कह दे कोई इसका जोड़ नहीं है, उसका जोड़ नहीं है, ये तो हम जानते हैं ना कि वाकई में जिसका जोड़ नहीं था तो आज तक नहीं है, नहीं है। लेकिन ईश्वर के आगे किसी की चलती नहीं है। वो ग्रहण की काली रात ना जाने किस घड़ी में वो निकला, वो वाकई में काली रात हो गई। लेकिन आइए, बहुत सुंदर सा कार्यक्रम आप लोगों ने सुना है, जवाब भी बहुत अच्छा आया है। हस्बैंड होता है सही। जिसका गॉड हस्बैंड होता है सही। बढ़िया बात आई है आप, बढ़िया अच्छा ज्ञान है। बढ़िया तो कल्पना जी, आप इतनी जल्दी परेशान क्यों हो गई? तो है ये है, आखिर आपसे बड़े हैं हम। अगर मैंने संस्कार के लिए कहा तो आप उसको अनर्गल ले गए। मेरे साथ बेटा कीर्तनकारों वाला दिमाग मत लगाया करो, मजबूरी है क्योंकि यहाँ पर हम दोनों बहने एक कीर्तनकारा तो बनकर आए हैं, क्योंकि हमारे और आपके रिश्ते ऐसे नहीं है। और ये हमारे जगदीश बाबा जी जो कि रात भर आप देख रहे हैं, रात भर दोनों कलाकारों का उत्साह वर्धन कर रहे हैं। मिठाई का डिब्बा तो हालांकि एडवांस में कल्पना के पास आ गया था, लेकिन बिटिया आया कानपुर से ही है। आधा आधा सही है, आधा कर लो, आधा आधा कर लो, डब्बा बचे तो हमको दे दे। ये हमारे जगदीश बाबा जी की ओर से हमारे साथ जो हमारे सचिन भैया हैं, और ये मेरे लिए पहली बार नहीं, इन्होंने मेरे साथ कई साल संगत की है। ये सौभाग्य हो गया है बच्चा, तुम्हारी पसंद का गीत हम जरूर सुनाएंगे। बहुत लोगों को डमरू बना दिया भाई ने। ये सौभाग्य हमारा इस मंच पर आने के लिए मैं फिर बार धन्यवाद दूंगी। कल्पना बिटिया, मैंने अनर्गल नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि बुजुर्ग कहते हैं खाना पखाना बंद में होता है, ये हमारे आपके संस्कार नहीं है, ये मैंने कहा था, लेकिन आप उसको अनर्गल ले गई। अगर आपको खराब लगा तो हम बड़े होकर आपसे क्षमा मांगते हैं, लेकिन हमसे वो वाला दिमाग मत बताओ बेटा, क्योंकि वहां तक कभी नहीं जाते। जाते हैं जब सामने वैसा कलाकार होता है तब हम वहां पहुंचते हैं, वरना फिलहाल मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि यहां पर हम लोगों को जरूरत है संस्कारों तक जाने, क्योंकि मैं जानती हूं अगर मैं तुम्हारे ऊपर उंगली उठाऊंगी तो मेरे ऊपर भी वो उंगलियां इशारा कर रही। मैं ऐसा कहा कभी नहीं करती हूँ। हाँ छोटी हो सकता है एक्स्ट्रा दिमाग लगा दो, लेकिन हमसे मत लगाने दो। हम वही दीदी थे ब्रेड पकौड़ा वाले, और आज भी हैं, और तुम्हारा हक है खाने का, मैं खिलाऊंगी। पहले मैंने कहा था जब जाना तो घर हो कर जाना बेटा, जो है वो खिलाएंगे, तुम्हारी छोटी बिटिया भी इंतजार कर रही, विश किया था तुमको, इसलिए कभी हमको दीदी कहना, लेकिन उस अनर्गल में मत लेना। आइए, जवाब आपने गीत का भी सुन लिया है और खंड गीत का भी सुन लिया है। मैंने वाइफ कहा, आपने हस्बैंड कहा, त्रेता से और कलयुग से मैंने कहा था, दोनों बातें मैं ले रही हूँ, उसी आधार पर आप भी गई हैं, बढ़िया बात लाई हैं। गीत का भी आपने अच्छा प्रयास किया है। आइए, आपने तर्ज और जो गाई है कटपीस की, मैं भी प्रयास करती हूँ। सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या, आइए मैं भी प्रयास कर रही हूँ, शायद बन जाए, क्योंकि कटपीस आपकी बहुत अच्छी आई है, अच्छी बात है। सुने पहले तर्ज, उसके बाद आप। ये काहे का माइक है भैया, तो उसको साइड में रखिए क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है। ये इधर साफ है। तर्ज आई है, पहले उसको आप सुने, उसके बाद आगे की बात। अरे कितने सावन बीत गए, ऐसा वो दिन आया था, क्या बात है, देखा
तो ये कैसे बीतेंगे अरमान बता, सागर जैसी आंखों वाले ये तो बता। चेहरा है या चांद खिला, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या। जिसने धरा पे जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है, सत्य है, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, लेकिन जैसा जो कर्म करता है उसको वैसे ही जाना पड़ता है। भैया सत्य है आपने जो कहा है, कल्पना जी बहुत अच्छी बात लाई है। मेरे हाथों मर गया तो उसका तरना है, मेरे हाथों जो तर गया उसका भी तरना निश्चित है, अपने हाथ में रक्षा लिए वो कैसे गोरी नंदन है, मौत उसी छू नहीं सकती ऐसे ये भृगु नंदन है। गौरी नंदन के विषय में बताया, अगर हाथ से उनके दांत छूट गया तो वो भी भस्म हो जाएंगे, भृगु नंदन के विषय में बताया। लेकिन आपने जो बात मेन बात आपकी जो आई है, अरे मुर्दी धारी सोच रहे, क्या बात है, भगवान श्री कन्हैया लाल सोच रहे हैं, अरे मुरली धारी सोच रहे, अरे मौत मेरी मेरे पाँव में है, ये जो पदम है यही मेरी मृत्यु का कारण है। भगवान श्री कन्हैया लाल सोचने लगे, कई चीजें आपने बताई हैं, उनके ही द्वारा उनकी मृत्यु है और उनके शरीर में है। आइए कल्पना जी, बस मैं भी कहीं से प्रयास कर रही हूँ और अगर अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा, क्योंकि जैसा बताया है कम समय मिलता है, बस उसी अनुसार, क्योंकि आपको शिकायत अपने भैया से है, ये तो होता ही रहेगा, जीवन भर शिकायत बनी रहेगी। मंच पर हर कलाकार यही कहता है ये नहीं बना वो नहीं बना, कोई ऐसा कलाकार जो कहता हो कि नहीं ये बात अच्छी आई है ना, ये बहुत पुरानी बीमारी है। लेकिन आइए, अभी ये बीमारी मुझ तक नहीं है, इसलिए ये प्रयास सुने, मैं भी कहीं से प्रयास कर रही हूँ, सुने। जैसे ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि रची है, सृष्टि रची जिस समय बच्चे का जन्म होता है, भैया जी निवेदन कर रही हूँ सुने, बच्चे का जन्म होता है जिस दिन छठी होती है उस दिन उसका पूरा जीवन लिख दिया जाता है। बुजुर्ग कहते हैं जिस दिन छठी मैया आती है पूजन होता है उस दिन बच्चे का पूरा जीवन लिख दिया जाता है, इसलिए माता पिता को रात्रि भर बैठना पड़ता है, बहुत सारी चीजें बच्चे के पास रखनी पड़ती है कि हे प्रभु मेरे बच्चे का जीवन आप बहुत अच्छा अच्छा लिखे। हर माँ बाप चाहता है और जब चाहता है तो देखिए मेरा भी केवल प्रयास है। कल्पना जी आपका घर का है यहाँ पर फड़का है, सुने कि अपने हाथ से भस्म है होता, भैया
ढोलक। भगवान भोलेनाथ ने भस्मासुर को वरदान दे दिया, तुम जिसके सर पर हाथ रखोगे वही भस्म हो जाएगा, लेकिन वरदान दे दिया, स्वयं फंस गए उस वरदान में। भोलेनाथ पर आजमाने चला, माता भवानी ने सहयोग किया, आ चलो मैं तुमको नृत्य करना सिखाती हूँ। अब देखिए, आप सब लोग इस कथानक को जानते हैं, अधिक बताने की जरूरत नहीं है। उधर पांव में है तो इधर देखिए, कई ऐसे लोग मिले जिनके उनके पास ही उनके मृत्यु का कारण है। जैसे सुने, हो गया और मोती उसी को छू ना सकती जिसकी जैसी करनी है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा, जिसकी जैसे आ जाएगी वैसे ही वहां पहुंच जाएगा। और जब ऐसा देखा तो नजर से भस्म है होता, उधर भस्मासुर अपने ही हाथ से भस्म हो गया, और इधर एक राक्षस हुआ भस्माक्ष। भस्माक्ष उसको स्वयं एक श्राप था, उसको क्षमा जाते हैं वरदान था, जिसकी नजर से नजर उसकी मिल जाएगी वो भस्म हो जाएगा। भगवान राम से युद्ध करने आया, और जब युद्ध करने आया तो वहां पर आईना लगा दिया, तो आईने में स्वयं को स्वयं से देख लिया, तो वहीं पर वो भस्म हो गया। और जब भस्म हो गया उधर भस्माक्ष भस्मासुर, आगे देखिए, तो अपनी नजर से भस्म है होता, ऐसी भस्माच की करनी है, नजर से भी वो भस्म हो गया, ऐसी क्या ये करनी है, अरे नजरों से स्वयं के द्वारा स्वयं को मारा गया है। शीश पर हाथ रखा तो भस्माक्ष भस्म हो गया, नजर से नजर मिल गई तो भस्माक्ष भी भस्म हो गया। एक मुर नाम का राक्षस था, वो भी अपने ही द्वारा मारा गया। बहुत सारी बातें आती हैं, जैसे आपने बताया गणेश जी अपने हाथ में लिए हैं, छोड़ देंगे तो भस्म हो जाएंगे, यहाँ पर ऐसा हो गया। ये मेरी ओर से आपके बहुत ही सुंदर से खंड गीत का केवल प्रयास।